हम सो सो प्राउड के खुशी जाहिर नहीं हो रही आपको दिख रहा है। ये पार्टी भी उसलिए ही रखी है कि फर्स्ट फिल्म में नेशनल अवार्ड मिल गया, तो आई मीन डिडंट एक्सपेक्ट बट मिल गया है, तो ऑब्वियसली आई वांट टू शेयर इट विद ऑल माय फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंड्स एंड ऑल, होपफुली दे विल कम एंड विश मी एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। देखो पिक्चर दिल से बनाई है और सबको अच्छी लगी है, तो हमें लगा था कि यस अगर सक्सेसफुल हो गई है तो नेशनल अवार्ड एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हमेशा ख्वाहिश होती है कि यू नो एक दिन मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा, तो ये मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि नेशनल अवार्ड मिल गया तो लाइफ इज मेड। है सही सुना, मेरी सेकेंड फिल्म सरब जीती है और अभी अनाउंस की है, मैं नेशनल अवार्ड मिल गया, यूजर को मैंने स्टोरी पढ़ी, आई लाइक इट सो मच और मैंने फ्राइडे को अनाउंस कर दी एंड यस दैट इज़ माय सेकंड फिल्म। नुकसान पहुंचने वाली तो आई मीन चीज़ ही नहीं है, ऑब्वियसली नए माइंड्स आएंगे तो नई थिंकिंग आ जाती है एंड लोग अडेप्ट करेंगे और ऑडियंस अडेप्ट करेगा, वही हम सोच रहे हैं एंड चेंज अपने आप आ जाता है यू नो इस लगा। और लाइक मैं भी रह चुका हूँ इस इंडस्ट्री में बहुत सालों तक, मैं भी बनाऊंगा वैसे भी पिक्चर कभी ना कभी, तो यू नो कमर्शियल बनाऊंगा वो है मेरी लाइंड अप, और मैंने ये भी सोचा था कि मैं नेक्स्ट बायोपिक नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ये सरबजीत बायोपिक सोच के नहीं बना रहा हूँ, एक अच्छी स्टोरी थी इसलिए मैं बना रहा हूँ, यू नो मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाऊंगा बायोपिक अभी, दो एक दो के बाद बनाऊंगा, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मैं बोला अच्छा वो तीन पार्ट करता हूँ और ये स्टार्ट करता हूँ। आफ्टर द नेशनल अवार्ड वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब ये नहीं होता कि नेशनल अवार्ड मिल गया अभी सब लोग मेरी तरफ अलग तरह से देखेंगे, वैसा नहीं होता है, डे टू डे सेम लाइफ मेरी चल रही है। सिर्फ ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ओके यू गेट लाइक यू नो ठहराव आ जाता है और सोचते हैं कि अच्छा एक पिक्चर बनाई थी दिल से बनाई सबको अच्छी लगी, तो लेट्स नॉट फूल अराउंड एंड मेक समथिंग स्टूपिड इन द सेकेंड, बोला अच्छा वन हिट वंडर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सेकेंड भी उतने ही प्यार से उतने दिल से बनाएंगे, होपफुली पीपल विल लाइक इट। विच इज़ गुड ना, आई मीन विच इज़ फैंटास्टिक, सो आई मीन इज माई वाइफ एंड माई बेटर हाफ, शी इज़ द प्रोडक्शन डिजाइनर फॉर ऑल माई फिल्म एंड ऑब्वियसली सरबजीत ने क्रिएटिव डायरेक्टर है, सो नहीं देखो लाइक आप पूछ रहे हो ना नेशनल अवार्ड से सेंसिबिलिटी आ जाती है, ओके लाइक मैं बोल रहा हूँ मैं इससे पहले नहीं करने वाला था, मुझे अवार्ड मिला ट्यूजडे को मैंने पढ़ा, बोला अच्छा आई मीन मेरे तीन अलग पिक्चर लाइंड अप है इसके बाद में लाइंड अप है, लेकिन मैं बोला कि ठीक है लेट मी बी लिटिल मोर ग्रीडी एंड डू दिस, सो एक पहचान आ जाती है, पर ये नहीं कि बायोपिक ही बनाऊंगा ऐसा नहीं है, सो दैट आई जस्ट वांट टू बी क्लियर। होपफुली एवरीवन आई मीन मैसेज करके तो सब लोग विश कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर बिकॉज इट्स वर्किंग डे वी जस्ट विशिंग लाइक आई थिंक श्रीदेवी विल कम, विद्या बालन विल कम, परिणीति, अर्जुन कपूर, वरुण अगर पहुँचेगा पुणे से वापस, अनिल कपूर, अनुपम खेर, डेविड धवन, जितेंद्र एंड लॉट्स मोर। हाँ जितना रिसर्च करना है उसके लिए करेंगे हम, बॉर्डर पर जाएंगे जितना रिसर्च हो सकता है करना है करेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू बी ट्रू टू द स्टोरी। हु डू यू वांट टू सी एज सरबजीत, एक्चुअली इट्स अ स्टोरी ऑफ द सिस्टर, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो दलबीर कौर एंड सरबजीत, सो यू टेल मी एंड आई विल वर्क अप, आई एम जस्ट 3 days ओल्ड इन दिस एंड दलबीर कौर बिकॉज दैट्स द मेन वन, उनके ऊपर स्टोरी है, सिस्टर की आंखों से देख रहे हैं स्टोरी। Hopefully, I mean, I could have called everyone over here for the party because I want to rejoice with every one of you all.
बट फ्यूचर में पिक्चर देखें हमारी सब की, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल कीप अप टू व्हाट आई हैव डन बिफोर एंड मेक गुड मूवीज. सी, अवार्ड्स आर फाइनली अ सब्जेक्टिव डिसीजन. देयर मे बी टू और थ्री गुड फिल्म्स, बट द जूरी विल डिसाइड ऑन ओनली वन फिल्म. आई डोंट थिंक इट्स नॉट एज अ मैरी कॉम डिडंट डिजर्व इट. सो मैरी कॉम डिजर्व्ड इट. Yes, maybe Queen also deserved it, but we have to respect the jury's selection. I think you're wrong. I don't think many people knew who Mary Kom was or what her contribution was. So I think this film educated the people. Today we know about Mary Kom, but before this film, not many knew, although she's a national hero. पुटिंग ऑन वेट एंड फिट एंड फाइन वे वन एंड द सेम थिंग. करेक्ट. आज के फिटनेस के जमाने में ऑन फाइन फिल्म. आई हैव सीन द फिल्म. आई लव द फिल्म. आई लव्ड उमंग्स वर्क. आई लव्ड प्रियंकाज वर्क. एंड आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट देम एंड विश देम मेनी मोर सच. उमंग कुमार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. नेशनल अवार्ड मिलना एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और मैं इसको बखूबी समझ सकता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वो अच्छी और मनोरंजक फिल्में बनाएं ताकि बहुत सारे और नेशनल अवार्ड जीते. ये जो बदलाव आया है कि अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, सिग्मांशु धोलिया और भी दिवाकर बैनर्जी, राकेश मेहरा, जितने भी लोग आए हैं, इन्होंने इंडस्ट्री की पूरी रूपरेखा को बदला है. एक पूरा एक इसकी दिशा बदली है, एक डायरेक्शन बदला है, जो कि एक पूरे तरीके से इस इंडस्ट्री के लिए ही बहुत अच्छा ट्रेंड है कि अच्छे अच्छे कलाकारों को भी काम मिल रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी और स्वस्थ मनोरंजक फिल्में बन रही हैं. किसके जो भी अच्छा निर्देशक है, मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा. उमंग के साथ भी काम करना चाहूँगा. कलाकार को जब नवाजा जाता है तो ये फ़ख्र की बात न सिर्फ उस कलाकार के लिए होती है बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है. और संजय साहब एक बहुत माने हुए फिल्म मेकर हैं और उनकी प्रोडक्शन कंपनी से ये फिल्म बनी. सबसे ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहूँगा फिल्म के निर्देशक उमंग कुमार साहब को और प्रियंका चोपड़ा, जो कि इतनी काबिल अभिनेत्री हैं. दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी. और फिल्म बहुत खूबसूरत है. हम सब ने ये फिल्म देखी और बार बार देखना चाहेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की फिल्में जो हैं संजय जी आगे बनाते रहें और उमंग भी इसी तरह की फिल्में आगे बनाते रहें. जी नहीं, बहुत अच्छी बात है. देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ जब एक ही लीक पे चलती है, एक ही ढर्रे पे चलती है, तो कितनी भी अच्छी हो फिर वो मोनोटोनस हो जाती है. और वो थोड़ी बदलाव मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव है और ऐसे ही होना चाहिए और मुझे खुशी है कि बात हो रही है. बॉम्बे वेलवेट अभी रिलीज़ होगी. अच्छी फिल्म है, 60s में सेट है और आपको वहाँ ले जाएगा 1960. थैंक यू. I played the mother in the film and it was a pleasure working in the film, and we are glad that we received so many awards for the film. Thank you. बहुत अच्छा है. नए नए newcomers आ रहे हैं और नए नए ideas लेके आ रहे हैं और बहुत खुशी है कि biopic बन रही हैं ताकि लोगों को एक नेचुरल फिल्में देखने को मिले. हम लोग भी दो तीन बायोपिक पे काम कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. नहीं, अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो एक अनाउंसमेंट की तरह आएगी तो बेटर रहेगा. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगा मैरी कॉम को, जिसके उदाहरण ने इस फिल्म को इंस्पायर किया था. और मैं तो बहुत नाराज़ हुआ करता था कि मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुकी है और फिर भी पूरा भारत उसे अच्छी तरह नहीं जानता. इस फिल्म के ज़रिए सारा भारत उसे जान गया है, हाउस होल्ड वर्ड बन गई हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि
मैरी कॉम को फाइनली वही रिकग्निशन मिली है जिसके वो काबिल है, डिजर्विंग है और हम उसे सलाम करना चाहते हैं। या जैसे कि आज हम सब यहाँ पे हैं डुअल सेलिब्रेशन ऑफ मैरी कॉम, मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इनफैक्ट, और मुझे प्रियंका जो है प्रियंका चोपड़ा उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो आई एम रियली हैप्पी कि फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, साथ ही साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जीता है। सो वी ऑल आर हियर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इट। मैंने 3 मूवी डील है टी सीरीज़ के साथ। जो मैं फर्स्ट फिल्म कर रही हूँ वो डायरेक्ट विवेक होसा कुमार इज़ माई डायरेक्टर एंड इट्स अ वेरी पैशनेट लव स्टोरी। उसके साथ ही साथ आई एम डूइंग अ टिप्स फिल्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई कुमार तौरानी एंड देन आई एम ऑल्सो डूइंग अ साउथ फिल्म अपोजिट साउथ सुपरस्टार दर्शन। या ऑफ कोर्स, या डेफिनेटली अ बायोपिक। हाँ जी, देखिए मैं खुद नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, सो आई जस्ट होप कुछ इस तरीके का रोल आए। एंड आई थिंक नेशनल अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है हमारी कंट्री का, हमारे कंट्री के राष्ट्रपति इसको देते हैं, तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर उमंग कुमार एंड प्रियंका बोथ। आई थिंक चेंज तो आता ही है, चेंज से बड़ी परमानेंट चीज़ कोई नहीं है, तो अच्छी बात है। यू नो, अब वो लोग भी कहाँ हैं, वो लोग भी हैं यहीं पे, सब लोग साथ में, पूरी फ्रेटर्निटी है हमारी। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी आर हैप्पी एंड आई नो एंड विल हैव फन राइट नाउ। आई नो वो हमेशा मिस रही है, वो बहुत ही बिजी हैं, वो हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं, अभी कुछ नेक्स्ट उसके लिए अपने प्रिपेयर करते रहते हैं। हमने तो उनको अपने मैरी कॉम के जब हम लोग प्रमोशन कर रहे थे उस वक्त भी बहुत मिस किया, लेकिन वो एशियन के लिए बिजी थी और उन्होंने गोल्ड लाया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइज़ था, तो वो हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं, वो नहीं आ पाए इस वक्त, लेकिन या हम मिस करेंगे उनको। दर्शन क्या देखिए, हर एक्टर का सपना होता है कि उसे एक बायोपिक मिले, एक रियल कैरेक्टर करने को मिले, और ये मेरा पहली फिल्म में ही सपना पूरा हो गया। बहुत टफ था क्योंकि रियल कैरेक्टर हूँ। मैंने अपने पिछले 10 सालों में हम नए डायरेक्टर के आदि काम किया, चाहे वो दिवाकर बनर्जी हों और चाहे वो नीरज पांडे हों। आई थिंक इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका जो हालात के साथ, नए सिनेमा के साथ ऑडियंस भी बदल गई है, तो अच्छा रहता नए लोगों के साथ काम करना। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स बीइंग मेड इन द कंट्री राइट नाउ। सूरज बलजात्या इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द फिल्म एंड रिलीजिंग इट। I actually kick when I do my kickboxing, so on the punching bag my leg went a little haywire, so I'm, but nothing to worry about, I'll be fine, I'm a very tough girl, I'm iron girl, so जी ट्रेनिंग चालू है, मैं पिछले 2 महीने से ट्रेन कर रही हूँ एंड बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है एंड आई थिंक जब आप कुछ नया सीखते हैं फिल्म के लिए तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। किसमें हाँ अकीरा में एक्शन ही तो है, इसलिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। आई थिंक एनीबडी हू स्टोरी इज़ वर्थ टेलिंग। आई थिंक बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन जो मीडिया आई में ना होते हैं, जिनकी कहानी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। अगर कोई ऐसी कोई कहानी ढूंढ के ले आए मेरे पास, आई वुड लव टू डू दैट, यू नो। थैंक यू।